गुड मॉर्निंग गाइज, लाइट तो आ गई है सुबह सुबह, लेकिन हवाएं इतनी तेज चल रही हैं कि घर में अभी भी वाईफाई का कनेक्शन कटा हुआ है। रात से हवाएं बहुत ही तेज चल रही हैं और वैसे लाइट आ गई है, लेकिन लाइट का हाल वैसा ही है कि आ रहा है जा रहा है, आ रहा है जा रहा है। सवा नौ साढ़े नौ के समथिंग हो रहा है। मैं तो डेली तरह रेडी ही हूँ ऑफिस जाने के लिए, ऑफिस जा रहा हूँ, लेकिन मे भी हो सकता है साहित्य को दिक्कत हो जाएगा क्योंकि उससे क्लासेस चलते हैं, तो वाईफाई अभी चल नहीं रहा है, कनेक्शन कट आ रहा है, तो हो सकता है कि थोड़ी देर के बाद बन जाए। वैसे धूप आ गया है, लेकिन धूप हवा बहुत ज़्यादा तेज चल रहा है, ऐसा लग रहा है बिल्कुल होली का मौसम आ गया है। सो ऑफिस चलते हैं। काफ़ी दिन से ट्राई कर रहा हूँ एक स्टेप की मेरे से हो जाए, लेकिन हो ही नहीं रहा है, और आज फिर मैं ट्राई करता हूँ, देखता हूँ मेरे से होता है कि नहीं। गाना नहीं चलाऊंगा, सॉरी गाना चलेगा लेकिन गाने का आवाज नहीं आएगा, क्योंकि मैं सिर्फ अल्लू अर्जुन का वो स्टेप मैं कॉपी करने की कोशिश कर रहा हूँ, मेरे से हो रहा है कि नहीं। मैं ट्राई करता हूँ, देखता हूँ होता है कि नहीं। मैं तो जा रहा हूँ अपने लिए राजमा बनाने के लिए। राजमा कह रहा हूँ नहीं, राजमा नहीं, मैं अपने लिए ऑमलेट और रोटी खाऊंगा। क्या खाना है? ऑमलेट खाना आपको? कितना, एक या दो, तीन, चार, कितना? पांच। पांच ऑमलेट खाओगे? इतना गर्मी पड़ रहा है। हाँ, पांच ऑमलेट खाओ। और गर्मी अभी देखो, आज गर्मी गर्मी लग रहा है ना। हाँ, ठंडी ठंडी। मैं ऑमलेट रोटी खाऊंगा, और अगर राजमा होगा तो थोड़ा सा राजमा भी खा लूंगा। राजमा है रिया? हाँ, तो मैं राजमा खाऊंगा और थोड़ा सा ऑमलेट खाऊंगा। क्या ये किसके लिए साड़ी चाहिए? तो अभी तो 5-7 साड़ी लेके गई थी, आई थी, भेजा हुआ था। अभी कौन सा साड़ी भेजना है? होली के लिए मैं देख रही थी। अच्छा, तो होली में भी टाइम है, तो ऑनलाइन ऑर्डर करने के लिए। अच्छा, नहीं है ऐसे साड़ी इसकी दादी को पसंद है। ठीक है, तुम्हारा चेहरा तो ब्लश कर रहा है, बिल्कुल चमक रही हो ना बेटा। मैं भी चमक रहा हूँ। आप तो हमेशा चमकते, आप तो मेरे सन हो, तो सन तो हमेशा चमकता ही है। सन मतलब क्या होता है? SUN सन मतलब? SUN सन मतलब बताइए। SUN सन मतलब सूरज। क्या होता है? क्या है? सो गाइस, न्यूज ये है कि जब मैं फैक्ट्री से निकल रहा था तो मेरे एक भैया है, उन्होंने मेरे को कॉल किया था कि भाजी मेरे लिए ना सत्तू 10 किलो चाहिए, लेते आना और अर्जेंट है। मैं दैट टाइम फैक्ट्री में था नहीं, तो मैंने बोला कि चलो शाम को आऊंगा तो लेके आऊंगा। तो अब मैं उनके यहाँ, रात के बज रहे 9 और अभी जा रहा हूँ, उनको सत्तू देके आऊंगा, देन उसके बाद वॉक करेंगे। चलो ये सत्तू देके आते हैं। हाँ चलो। कच्चा बादाम वाला स्टेप तो आपने बहुत देखा होगा, लेकिन आज अब मैं आपको एक ऐसा स्टेप दिखा रहा हूँ कि आप देख के पागल हो जाओगे कि इस उम्र में भी कोई कच्चा बादाम वाला इतना अच्छा स्टेप कर सकता हो। लुक एट दिस गाइस, भाभी जी पीजी वाली। ये सीखा दे भैया, सब कल जैसे आपने किया था ना वैसे करो। डुगू साउंड बंद करो, डुगू साउंड बंद। हाँ, ऐसे 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 ही। अच्छा नहीं नहीं सही है, डुगू बंद करना। अच्छा, पता है मैं आपके यहाँ क्यों आया हूँ? आपको पता है क्यों मेरा गाना शूट होने वाला है? तो मुझे वो चाहिए, मुझे कल का अपराध को मेरे को दे देना, वो भांग पीसने के लिए। तो, मेरे को मेरा पहनाया था मैंने। क्या?
उसमें अभी मसाला कोई बात आप उसको वो कर देना, क्या तो बोलते कल कल साफ कर देना, मैं इस समय मेरे को कल दे देना 9-10 बजे रात को मैं रख लूंगा अपने गाड़ी में, डन तो कल मुझे दे देना। वो देखो कितना अच्छा हमने शिमला से लेके आया। क्या चीज? पाइन का। जो शिमला गई थी ना, पाइन का फूल है। कहाँ पाइन का फूल? पाइन का फूल कहाँ पे? अच्छा ये किस चीज का फूल है? ये पाइन। पाइन पाइन पे नहीं होता है। ओके नहीं, मामा रीमा भाभी क्या गई हुई है वहीं पे, पता क्या बोली है कि साहित्य को जाके छुपा दीजिए तब मैं पीछे से आऊंगी, तो आपको छुपना है कि मेरे साथ रहना है? क्या साथ? और वहाँ पे पता क्या हो रहा है, डुगू भैया है ना वो मम्मा के साथ खेल रहा है और साइकिल भी चला रहा है। रात रात को साइकिल, देखो 10 बजने वाला, रात को साइकिल नहीं चलाते हैं। क्या बोलती थी? तो मामा जब आ रही है उसके पास आके चला लीजिएगा। अरे अभी मामा आ रही है, मामा पता क्या कर रही है, पूछिए क्या कर रही है। हम लोगों को शिमला जाना है घूमने, मंडे ट्यूजडे को शिमला चलेंगे। हाँ। जब मैं शूटिंग से आ जाऊंगा तब, ठीक है? तो वहां से जब मामा आ रही है तो वही प्लान बना रही है कि रीमा भाभी जाएगी कि नहीं जाएगी, और उसके बाद जब वहां से आएगी फिर हम लोग रात को सोने के समय बेड पे प्लान बनाएंगे कि शिमला चल के क्या करेंगे। चलना है आपको शिमला? पक्का? ठीक है फिर आप ले जाइए, फिर मैं जाना है आपको। हाँ तो जाके क्या लाइक भी कर देना थोड़ा, बन मिलियन जल्दी से कर देना। अरे यार ऐसे थोड़ी बोलते हैं, मामा आ रही फिर चलेंगे हम शिमला चलेंगे मंडे के दिन। और आपका 3 तारीख से आपका एग्जाम है ना? नहीं 3 तारीख से ही है। 3 तारीख से एग्जाम खत्म हो गए, फिर 2 दिन के लिए छुट्टी मिले आप। जैसे आपका एग्जाम खत्म हो जाएगा उसके बाद, एग्जाम खत्म, एग्जाम तो आपका खत्म होगा 17 फरवरी को, ठीक है? लेकिन 3 तारीख से आपका एग्जाम शुरू होने वाला है, उसके पहले हम शिमला घूम के आ जाएंगे, ठीक है? मामा आ रही है फिर चलेंगे, ठीक है? शिमला शिमला, ठीक है? अभी अभी फिर वही बात, मामा आ रही है तो मामा से आप, हाँ मामा जब आ रही है ना तो मामा से आप कह रहे हैं, मामा पापा कह रहे थे कि हम लोगों को ना मंडे के बाद, सॉरी एग्जाम के पहले पहले शिमला जाना है। क्या बोलना है आप, क्या बोलोगे आप एक बार बता दो, एक बार बोल देना, ठीक है? क्या साहित्या क्या बताया आपने मम्मा को? क्या आप दोनों कुछ प्लानिंग कर रहे थे शिमला मनाली जाने का? ये किसने कहा तुमसे? साहित्या ने। साहित्या क्या प्लानिंग किया है आपने? नहीं देखिए देखिए कोई भी बात है, ठीक है? कोई भी बात, साहित्या अपने मन से तो कह नहीं सकता, जरूर कुछ बात हुआ होगा, जरूर दाल में कुछ काला है, कुछ तो ऐसा कुछ नहीं है। साहित्य टीवी पे देख रहा था शिमला के, शिमला के बारे में कुछ तो गड़बड़ है। साहित्य गड़बड़ है कुछ नहीं, क्या गड़बड़ है? एग्जाम के बाद शिमला जा सकते हैं, अब बता दीजिए, भेद तो खुल गया। मुझे क्या पता क्या प्लान बनाया है ये, बता दीजिए मुझे कुछ नहीं पता है क्या प्लान बनाया हुआ है, बता दीजिए। सो गाइस ब्लॉग अच्छा लगा हो तो ब्लॉग को लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए कि ब्लॉग में क्या आपको अच्छा लगा या क्या कमी लगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, थैंक यू, बाय बाय।